सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू करंट अफेयर्स इन हिंदी। आज 7 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आलोक कुमार यहाँ पर बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आलोक कुमार मनोज कुमार की जगह लेंगे। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं असम मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 हैं। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें रुद्रसागर झील, डुम्बर लेक झील। त्रिपुरा का राजकीय पशु फेरीज पार्न वानर है। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। कौन सा भारतीय राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। इसराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसराइल की राजधानी जेरूशलम है। इसराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। इसराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इसराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इसराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इसराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना शुरू की है? लद्दाख ने ये योजना शुरू की है, भी आपका आंसर हो जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत लेह और कारगिल में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे और इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। लद्दाख की प्रमुख झील पेंगोंग झील है। लद्दाख हवाई अड्डे कुशोक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पाक अधिकृत कश्मीर को किसके साथ शामिल किया गया है? लद्दाख के साथ शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? ये 5 जून को मनाया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि मुद्दों और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम रहा है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त दिवस 6 मई को, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंगयून 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? चीन ने इसको लॉन्च किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में
ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, इसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसको उपग्रह का उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा और इस सैटेलाइट को लॉन्च Mars 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। Top 5 देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। वियतनाम की स्पेस एजेंसी का नाम वियतनाम नेशनल स्पेस सेंटर VNSC है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA, भारत की स्पेस एजेंसी ISRO, रूस की स्पेस एजेंसी Roscosmos है, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम JAXA है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सर्बिया में नियुक्त किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। संजीव कोहली वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की करेंसी सर्बियाई दिनार है। सर्बिया के प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 6 जून को मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। यह दिवस अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। रूसी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को, रूसी भाषा दिवस 6 जून को, स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। UNO के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगविली नॉर्वे के रहने वाले थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है। UNO का सदस्य भारत 1945 में बना था। UNO के वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान बना है। UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने की घटना घटी है? ईरान में यह घटना घटी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में ईरान की नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत में भयंकर आग लग गई है। इस युद्धपोत का नाम खार्ग है। इस युद्धपोत में आग लगने के बाद से ओमान की खाड़ी में डूब गया है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी ओमान रियाल फरान है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। चाबहार बंदर का कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करुण नदी है। ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये झील है आपकी उर्मिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? बेल्जियम की हॉकी टीम यहाँ पर शीर्ष पर रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व रैंकिंग 2021 में Top 3, तो यहाँ पर बेल्जियम फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड है, नीदरलैंड थर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला विश्व रैंकिंग 2021 में Top 3 टीमें हैं। फर्स्ट पर नीदरलैंड, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर रही है। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उन्हें FIH रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। CEO थियरी वेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1232 किलोमीटर दी लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? विनोद काफरी ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नो द एंटी नेशनल पुस्तक RSN सिंह ने इसको लिखा है। गिली डंडा टू गोल पुस्तक को राम वर्मा ने लिखा है। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किंगसुक नाग ने लिखा है। हाय मार्च बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक को राम माधव ने लिखा है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक
निधा दत्ता ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? भारत ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? सर अनिरुद्ध जगन्नाथ इनका नाम था। सी आपका आंसर हो जाएगा। मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वो मॉरीशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हाल ही में बालकृष्ण नारायण को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भूमि विवाद और संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए विरासत या प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान लॉन्च किया है। किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, अभ्युदय योजना लॉन्च हो चुकी है। रूफटॉप सोलर पावर के लिए एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। बाल श्रमिक विद्या योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 23 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से हर घर नल योजना का शुभारंभ हुआ। आयुष कवच ऐप लॉन्च हो चुका है। उद्यम सारथी ऐप लॉन्च हो चुका है। कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 75 है, राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद यहाँ पर 100 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंह है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पीड़ा शोक का, राजकीय फूल पलाश का, राजकीय फल आम का है, राजकीय मिठाई जलेबी, लोक नृत्य रासलीला, झूला कजरी, जद्दा चाचरी, नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर, वन्यजीव अभ्यारण्य रानीपुर, वन्यजीव अभ्यारण्य नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य तथा सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। रेहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किस विख्यात उपन्यासकार का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? लक्ष्मी नंदन बोरा का यहाँ पर निधन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी नंदन बोरा का पहला उपन्यास गंगा सलोनीर पाखी था। इस उपन्यास के प्रसिद्धि के कारण 11 भाषा में अनुवाद किया गया। बोरा असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और असम वैली लिटरेरी अवार्ड के विजेता थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर 5.7% का अनुमान लगाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। आईएलओ के अनुसार 2022 में दुनिया भर में लगभग 205 मिलियन बेरोजगार लोग मौजूद होंगे, जो कि 2019 के 187 मिलियन से अधिक हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। WTO, WHO, WIPO, WMO, ISO इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है। ILO के महानिदेशक गाई राइडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूरी तरह से रसायन से लदा कौन सा जहाज हाल ही में कोलंबो के तट पर डूब गया, जिससे समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है? MV एक्सप्रेस पर यहाँ पर डूब चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने हाल ही में कोवैक्स कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की है, जिससे उसकी सहायता राशि बढ़कर अब $1 अरब हो गई है? जापान। सी आपका आंसर हो जाएगा। WHO ग्लोबल वैक्सीन
अलायंस और अन्य कई संस्थाओं ने मिलकर गरीब देशों को मुफ्त में टीका देने के लिए कोवैक्स पहल की शुरुआत की है। कोवैक्स पहल का उद्देश्य दान के माध्यम से 92 निम्न मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 टीका उपलब्ध कराना है। कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका पाने वाला विश्व का पहला देश घाना है। जापान की राजधानी टोक्यो सम्राट नारुहितो है प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। संसद डाइट है, मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? केरल ने ये मिशन लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नॉलेज इकोनॉमी मिशन का उद्देश्य ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन से शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन के कार्यान्वयन और वित्त पोषण के लिए 300 करोड़ की लागत से नॉलेज इकोनॉमी फंड स्थापित किया जाएगा। केरल से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए दूसरी बार 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण हेतु 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। 10 जुलाई 2021 से स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है। केरल राज्य में व्यापक टीकाकरण अभियान कर्सिंग दी कर्व शुरू किया है। मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना को लॉन्च किया है। जेंडर डेटा हब स्थापित करने के लिए यूएन वोमेन के साथ समझौता किया। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कट्टूर कोझिकोड यहाँ पर शुरू हो चुका है। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वायनाड में स्थापित किया जा चुका है। गर्मियों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। वन सकुल वन IAS योजना लॉन्च हो चुकी है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यहां पर दिया जा चुका है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हाईकोर्ट लोकेटेड कोच्चि में निर्वाचन सीट। लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 140 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी धनेश है। राजकीय वृक्ष नारियल का है। राजकीय फूल अमलतास है। राजकीय फल कटहल है। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। लोक नृत्य ओटम थुलाल कालीअट्टम तथा पादयानी है। राष्ट्रीय उद्यान अनामोड़ी 16। राष्ट्रीय उद्यान एराविकुलम। राष्ट्रीय उद्यान पेरियार। राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है साइलेंट वैली। राष्ट्रीय उद्यान परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पम्बादूम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध मल्ला पेरियार बांध, इडुकी बांध, पेरियार नदी तथा बंसुरा सागर बांध कावनी नदी पर स्थित है। जनजातीय कादर ओराली मोपला इरूला तथा पनियान यहाँ पर स्थित हैं। आधिकारिक भाषा मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीडलबर्ग सीमेंट ने हाल ही में किस देश में 2030 तक दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर यह घोषणा की है स्वीडन ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन हैं। संसद रिक्सडेग है। मुद्रा क्रोना है। किस संस्था ने कोविड-19 से बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लॉन्च किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। सी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसकी फुल फॉर्म है। NCPCR की स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चेयरमैन प्रियंका कानोगु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्चुअली रूप से आयोजित एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? तो यहाँ पर मेजबानी की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस कार्यशाला का आयोजन IIT मद्रास के इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज द्वारा किया गया था। इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन एम्स्टर्डम के तत्वाधान में स्थापित एशिया में अपनी तरह का पहला मेमोरी नेशनल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट पेमेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बैंक कौन सा बना है? ICICI बैंक यहाँ पर बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्विफ्ट का अर्थ है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन है। स्विफ्ट की स्थापना 3 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय ला हूल पे बेल्जियम में है।
सीईओ, जेविर पेरेज टेसो हैं चेयरमैन, यावर शाह हैं आईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1994 में कोई थी, मुख्यालय मुंबई है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन हम है ना और ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? विवेक राम चौधरी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। आईएएफ की स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी हैं। मोटो नभम सपरसम दीप्तम है। प्रत्येक वर्ष किस दिन अवैध गैर सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एमजे गोपालन ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, ए आपका आंसर हो जाएगा। बोलेस और बियरिस शब्द का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है, बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं ऑनलाइनर क्वेश्चंस की तरफ। 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो यहाँ पर ये दिवस मनाया गया है रेम अगेन रिक्रिएट रिस्टोर के साथ। हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, वो किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तेलुगु। किस राज्य के आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों के सभी 7 उप संप्रदायों को एक समान नाम देवेंद्र कोला वेलालर दिया है? तमिलनाडु ने। छात्रों को ई बुक के साथ एजुकेशनल टैब प्रदान करने के लिए किसने योन टैब योजना लॉन्च की है? लद्दाख राज्य ने ये लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की 6 लघु फिल्मों की मायूल हिसाब की किताब लॉन्च किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड 19 से निपटने के लिए दूसरी बार 20,000 करोड़ रुपए की पैकेज घोषणा की? केरल। निम्न में से किसने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है? डेविड डियोप ने यह पुरस्कार जीता है। भारत के एकमात्र परमाणु पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल में रूस को लौटा दिया गया है? INS चक्र को लौटा दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया? आजीवन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार की वन पेंशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय कौन बना है? अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यहाँ पर बना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत। 4 जून 2021 को सैग परियोजना शुरू की है, सैग का अर्थ है सीनियर केयर इंजन ग्रोथ इंजन। 2000 ईस्वी के बाद घुड़सवारी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय घुड़सवार कौन बने? फवाद मिर्जा यहाँ पर बने हैं। चलते हैं डेल स्टैटिक जीके की तरफ। कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? बोर्नियो द्वीप का अंग है। भारत का दक्षिणतम द्वीप है? ग्रेट निकोबार है। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? जावा। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यूमर द्वीप को लेकर है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है। कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? गोभी। सैलिबीज सागर कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भूमध्य सागर एवं एटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। चलते हैं 7 जून के इतिहास की तरफ, हिस्ट्री ऑफ 7 जून। फ्रेंड्स आप देख रहे हो देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स चैनल के माध्यम से। अब हम आपको लेकर के चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 7 जून, देश और विदेश के इतिहास में 7 जून यानी आज का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं की वजह से महत्वपूर्ण है। आज हम जानते हैं कि 7 जून के इतिहास में यानी आज के इतिहास में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है उनके बारे में हम आपको डिटेल से यहाँ पर बताएंगे। नेपाल्स के राजा लेडिस्लाव ने 1413 में रोम पर कब्जा किया था। आज के दिन बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने 1547 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। इंग्लैंड ने 1546 में स्कॉटलैंड आयरलैंड के साथ आदर्श अंति समझौता किया था। इंग्लैंड ने 1557 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। लुईस चतुर्दश 1654 में फ्रांस के राजा बने थे। कैरबियाई देश
जमैका के पोर्ट रॉयल में 1692 को आए भूकंप से 3000 लोगों की मौत हो गई थी। एंटी कैथोलिक दंगा लंदन में 1780 को शुरू हुआ जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन दास व्यापार ख़त्म करने पर 1862 को राजी हुए। फ्रांसीसी सेना ने 1863 में मैकिस्को शहर पर कब्जा किया। आज के दिन फ्रांसीसी सेना ने 1863 में मैकिस्को शहर पर कब्जा किया था। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति के लिए 1864 को दूसरी बार रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय का प्रयोग किया था। वेटिकन सिटी पूर्ण संप्रभु राष्ट्र 1928 को बना था। वेटिकन सिटी एक संप्रभु देश 1929 में बना था। जॉर्ज सिस्टम तथा एलिजाबेथ 1939 में ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया। वामपंथियों ने 1948 को पूरी तरह से चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। सोनी कॉरपोरेशन ने 1966 में अपने ब्रांड वाला वीडियो टेप रिकॉर्डर पेश किया। पहले विश्व कप का पहला मैच 1975 में भारत इंग्लैंड के बीच लंदन के लार्डर स्टेडियम पर खेला गया। भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर एक को 1979 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया। नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी 1995 में अंतरिक्ष यात्री बने। स्पेन के कार्लोस मोया ने 1998 को फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुषेकल खिताब जीता। श्रीलंका में प्रचलित आवर्जन नियम 1999 को निरस्त। इंडोनेशिया में 1955 के बाद पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1999 में हुआ। एक अमेरिकी अदालत द्वारा 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दो भागों में बांटने का निर्देश दिया। इजरायली मंत्रिमंडल ने 2004 को गाजा क्षेत्र से बस्तियां हटाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपये देने का निर्णय 2006 में लिया गया। अमेरिका ने सऊदी अरब के राजदूत रहे प्रिंस बादरे बिन सुल्तान के हथियारों की दलाली में करोड़ों पाउंड के घोटाले का खुलासा 2007 में हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से 2008 में समाप्त घोषित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने स्टेम सेल के अनुसंधान को मंजूरी देने के विरुद्ध दूसरी बार वीटो का प्रयोग 2008 में किया। 7 जून को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म 1914 में आज ही के दिन हुआ। भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में आज ही के दिन हुआ। 7 जून को हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ बेगम को 1631 में आज ही के दिन मृत्यु हो गई। अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलेन ट्यूरिंग का निधन 1954 में आज ही के दिन हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बी डी जत्ती का निधन 2002 में हो गया। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेज इन जून, तो इम्पोर्टेंट डेज जून के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को इंटरनेशन सेक्स वर्कर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में भी 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट के रूप में मनाया जाता है। चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे के रूप में भी 4 जून को मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।